इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड लेजिस्लेशन। तो देखिए पब्लिक सर्विस क्या होती है। पब्लिक सर्विस होता है जो मेनली स्टेट देता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट देता है अपने सिटीजन्स को, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सर्विसेज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये टाइप की दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ मेनली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है टू द सिटीजन को। अभी देखिए क्या होता है, मेनली जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है आइदर वो जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, ये भी मायने रखता है। इसीलिए जो पब्लिक सर्विसेज है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अभी हम क्या पढ़ेंगे मेनली, ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है और इसके क्या फीचर्स है, ठीक है, इसको मेनली हम देखेंगे। देखिए 2011 में जो सेंटर लेजिस्लेचर है इन्होंने ग्रीवेंसेस रिड्रेसर बिल लेके आए, ये भी इसी टाइप से है जैसे राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, सेम इसी टाइप से, बस नाम क्या है इसका जो सेंटर लेजिस्लेचर ने लेके आया 2011 में, ग्रीवेंसेस रिड्रेसर बिल है। और जो पहला स्टेट जिसने मेनली पब्लिक सर्विस ग्रीवेंसेस के लिए एक्ट लेके आए वो थे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट, ये पहला स्टेट है जिन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट, ओके, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 ये लेके आए, फर्स्ट स्टेट दैट इज मध्य प्रदेश। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जैसे उसके बाद, मतलब मध्य प्रदेश के बाद ऐसे बहुत सारे स्टेट ने इस टाइप का पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट लेके आ गए, जैसे आंध्र प्रदेश, ओके, मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, देन आसाम, बिहार, चंडीगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी जो स्टेट है उसके बाद इन्होंने भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट लेके आ गए। अब देखिए ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट होता क्या है, ठीक है। देखिए इस एक्ट के थ्रू जो है लोगों को जो है एक अधिकार मिल जाता है कि उनको जो सर्विसेस है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेस है जो मेनली सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा प्रदान की जाएगी, वो विद इन टाइम बाउंड उनको मिलेगी। जो भी सर्विसेस है, सर्विस डिलीवरी जो भी है, वो उनको विद इन टाइम बाउंड मिलेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो एक्ट आने से एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म बन जाएगा जिससे कि अगर उनको सर्विस नहीं मिलती है, लोगों को अगर वो अप्रोच करते टू द किसी, मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट के पास अप्रोच करते और उनको अगर सर्विसेज नहीं मिलती है, तो थ्रू दिस एक्ट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट के तहत हम, मतलब इससे क्या हो जाएगा, पनिश कर पाएंगे किसको, पब्लिक सर्वेंट को जो मेनली इस जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट को वायलेट कर रहा है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेनली आपको किसी स्पेसिफिक टाइम में आपको सर्विस देने की बात कर रहा है, तो इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाता है। लेकिन क्या है, किसी किसी चीज़ में इसको एक्सक्लूड किया है, अलग रखा है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से इसको अलग रखा है, और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ जो ओल्ड एज पेंशन है इसी को बस इसके अंदर कवर किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मेनली पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट लाया गया है। अब देखिए कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए पेंशन अप्लीकेशन हो गई, जो मेनली जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होता है उसको विद इन 21 डेज के अंदर प्रोसीड करना होता है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट होती है, राशन कार्ड होता है, डोमेसियल सर्टिफिकेट होती है, वोटर कार्ड होता है, या टेलीफोन कनेक्शन, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होता है जो मेनली जो सिटीजन है वो एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करता है। तो इनका एक टाइम फ्रेम, एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है, और ये कहाँ निर्धारित किया है, इस पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट के अंदर निर्धारित किया गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है मेनली, अगर ये आपका, अगर किसी सर्विस डिलीवरी के लिए आप गए हैं, सर्विस के लिए गए और आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर्स है उसका। देखिए जब आप किसी सर्विस के लिए जाते हो, किसी सर्विस की डिमांड करते हो एडमिनिस्ट्रेशन से, तो सबसे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाती है। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी गई इसका मतलब अभी आपको उसको वादा किया गया कि आपको ये सर्विस मिलेगी। अब इन सपोज अगर आपको सर्विस नहीं मिलती है, वो ऑफिसर जो सर्विस आपको प्रोवाइड करने वाला है वो अगर फेल होता है टू गिव दैट सर्विसेज, ओके, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम लिमिट आपको दी गई है उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपीलेट कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड अपीलेट ऑफिसर के, मतलब एक आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो ग्रीवेंसेस है, वो ये जो अपीलेट ऑफिसर्स होता है मेनली
उसके सामने इसको पुटअप कर सकते हो, उसको बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो अपीलेट ऑफिसर्स होगा ये इंक्वायरी करेगा, और उसके बाद जो भी ऑफिसर्स होगा, जो मेनली आपको सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड डिलीवरी देना चाहिए जिस ऑफिसर को, अगर वो गलती पाया जाता है उसकी, तो उसको पेनाल्टी इम्पोज उसके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको मेनली रिस्पॉन्सिवनेस बनाया गया है टू द सिटीजन। अगर हम इसके कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन को देखें, तो देखिए जो राइट टू सर्विस एक्ट है ये मेनली किस लिए लाया गया है, ये जो करप्शन है उसको हटाने के लिए लाया गया, ठीक है। करप्शन कम से कम हो, कम से कम क्या है? करप्शन हट जाए, ट्रांसपेरेंसी आए, सो दैट जो लोगों को जो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल सके, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अकाउंटेबल बनाए, रिस्पॉन्सिबल बनाए, ओके। तो इस तरह से ये जो जो एक्ट है इसको मेनली 20 स्टेट और यूटी ने इसको एडॉप्ट किया है। लेकिन क्या है, इस एक्ट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि देखिए, अगर कोई जो सिटीजन है वो अगर उनको जो सर्विस के लिए वो गया है, सर्विस की डिमांड के लिए गया है, अगर उसको सर्विस नहीं मिलती है तो उसको क्या है ना, काफ़ी दिक्कतें भी झेलना पड़ता है टू गेट द रिड्रेसर। तो इसके लिए उसको सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उसको खुद चल के ही जाना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है उसको। पहली बात तो उसके पास नॉलेज ही नहीं होता है, तो ये सभी चीज़ें का दिक्कत उसको आता है जब वो प्रॉब्लम को फेस करता है तब। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस टाइप के एक्ट आने के बावजूद भी इसको जो है जो लोगों के लिए लोगों के फेवर में हो, मतलब लोग उसको आसानी से उस सर्विस को एक्सेप्ट सर्विस को ले सके, अगर नहीं मिलती है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से, तो इसमें भी मैकेनिज्म आसान हो, ठीक है। तो इस टाइप से जो अभी बहुत सारे ऐसे एक्ट लेके आए गवर्नमेंट ने, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आए फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, देन राइट टू सर्विस लेके आ गए, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये किस लिए मेनली करप्शन के लिए, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ये जो है मेनली रिड्यूसिंग द करप्शन। तो इस तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट एक्ट लेके आता है, ओके, सो दैट लोगों को उससे रिड्रेसर मिले, उनको फ़ायदा मिले, मेनली जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाह रही है वो लोगों तक पहुँचे। तो इफेक्टिवली कब पहुँच सकती है, जब एक अच्छा लेजिस्लेशन बने, सर्विस डिलीवरी में एक अच्छा कानून बने, तभी जाके लोगों को जो स्टेट द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज है वो आसानी से पहुंच सकती है, ओके। सो हमने मेनली क्या देखा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड लेजिस्लेचर, मतलब जो कानून है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, ओके, इसको मेनली हमने जाना, वो कौन सा है, ये जो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है, ठीक है। इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके आए सेम है, बस नाम इन्होंने ग्रीवेंसेज रिड्रेसर बिल लेके आ गए, ओके। तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के बारे में मेनली हमने जाना इस वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।